हेलो भाई, स्वागत है आपका क्रेजी ऑटो 360 में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो भाइयों, मारुति की वो गाड़ी लॉन्च हो गई है जिसको सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो की। बलेनो की बुकिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और इसकी सेल इस महीने के एंड तक शुरू हो जाएगी। मारुति ने बलेनो की बुकिंग शुरू कर दी है और आप मात्र 11,000 रुपये दे के बलेनो को बुक कर सकते हैं। अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए और जैसा ये वेटिंग पीरियड का सीन चल रहा है तो अभी गाड़ी बुक कर लीजिए। गाड़ी की जो बुकिंग है वो दोनों तरीके से हो रही है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर आप नेक्सा के शोरूम पे जाके भी बुक कर सकते हैं। बलेनो का जो टीज़र लॉन्च हुआ है उससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले आएगी। अभी तो खाली वही शो करा है। अब देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। मारुति के हिसाब से जो ये नई बलेनो है इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं इसकी स्टाइलिंग फीचर्स, और तो और मारुति ये भी कहता है कि उसने इसके और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब देखते हैं इसमें उसने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो ये बलेनो का फेसलिफ्ट है ये बेस्ड होगा सुजुकी लाइट वेट हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है और भी स्ट्रॉन्ग होगा। मारुति की एक स्टेटमेंट निकल के सामने आई थी जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी गाड़ियों पे और भी ज़्यादा काम कर रहा है जिससे कि वो और स्ट्रॉन्गर और सेफर कार बिल्ड कर सके। अब मारुति ने इस गाड़ी को कितना स्ट्रॉन्गर और सेफर बनाया है वो तो हमें ग्लोबल टेस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं मारुति की गाड़ियाँ कैसा परफॉर्म करती है ग्लोबल टेस्ट के अंदर। इस गाड़ी के सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर मारुति ने थिक ग्रेड का स्टील यूज़ करा है। जो नई बलेनो होगी ये हमें 6 एयरबैग ऑप्शन के साथ मिलेगी और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिलेगा। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वो सेम रहेंगे जैसे पिछले मॉडल में आते थे। इसके अंदर हमें एक 1.2 लीटर का VVT नेचुरल एस्पिरेंट इंजन मिलेगा जो कि 82 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन मिलेगा जो 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालेगा, और दोनों ही 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएंगे। जो बलेनो का टीज़र निकल के आया था उसमें ये बात तो कंफर्म है कि हमें हेड अप डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, पर जैसा कि मेरे अंदाज़ा है जो हेड अप डिस्प्ले होगा ये इतना कस्टमाइजेबल नहीं होगा जितना और लग्जरी गाड़ियों में होता है। पर इस गाड़ी के अंदर हमें काफ़ी हद तक डिसेंट फीचर देखने के लिए मिल सकते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे बड़ी टच स्क्रीन हो गई, इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा वो कैपेबल होगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के। जो हैचबैक है इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी होगा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विद DRLs और L-shaped टेल लाइट्स तो इसकी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। अब देखना यह है कि जो नई बलेनो है ये मार्केट में कैसा परफॉर्म कर पाती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।